नागपुर जिले के काटोल में एक बेहद ही भयावह आगजनी का मामला सामने आया, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से एक फर्नीचर की दुकान को आग लगी। इस आग में जलकर एक 88 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु होने की दुर्दैवी खबर भी सामने आई। मृतक का नाम नूर मोहम्मद बोधर बताया गया। फर्नीचर की दुकान में बड़ी संख्या में लकड़ियां होने से आग ने रौद्र रूप धारण कर दिया। बताया जा रहा है कि आधी रात के दरमियान ये घटना घटी।